कि आप ही के दरमियान से एक मसीहा को, एक डॉक्टर को जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही मोहतरम डॉक्टर प्रकाश खेतान जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए। लिखता हूं, गुनगुनाता हूं, रात भर की थकान मंचों पे सुनाता हूं और दिन भर का ताना बाना रात की तन्हाई में बुनता हूं। आंसुओं से अपने मन को बहलाता हूं, अपनी ही पंक्तियों को बार बार दोहराता हूं। लिखता हूं, गुनगुनाता हूं, रात भर की थकान मंचों पे सुनाता हूं। 14 वर्ष लग गए डॉक्टर बनने में, वक्त कम मिला सजने सवरने में। पिता की आंखें नम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। बेटा तू पढ़ के कब वापस आएगा, इन बैसाखियों की जगह अपना कंधा लगाएगा। क्या कहने, क्या कहने भाई, एक बार जोरदार इस्तकबाल करें डॉक्टर खेतान साहब का। वाह 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 वाह। और देख उस कोने, पिता की आंखें नम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। बेटा तू पढ़ के कब वापस आएगा, इन बैसाखियों की जगह अपना कंधा लगाएगा। और देख उस कोने में रखी है तेरी मेज और कुर्सी, उस पे तू पढ़ता था, 10-10, 12-12 घंटे रहता था, कोट पकड़ के खींचता था, प्रश्न विज्ञान के पूछता था। वक्त नहीं था तुझे पढ़ाने के लिए, न्यूटन के सिद्धांत को समझाने के लिए। अब रोज सुबह शाम उस मेज और कुर्सी को पोछता हूं, तेरा लिखा कागज का कोई टुकड़ा खोजता हूं। वाह, तेरे पेन की लिखावट और स्याही अब भी मौजूद है मेज पे। देखता हूं, उंगलियां फेरता हूं, कहीं मिट न जाए, हल्के से पोछता हूं। वो अखबार पढ़ते वक्त रोज सोचता हूं, कब इन महीन अक्षरों को अपनी आंखों से पढ़ के सुनाएगा, बेटा तो पढ़ के कब वापस आए। क्या कह रहे डॉक्टर साहब, वाह वाह। अब तो आजा, वाह वाह, कब तक रुलाएगा। मां की बात और है, मां तो मां है, उम्र के इस पड़ाव पे पिता की हर बात में हां में हां है। उनके आंसुओं को, उनकी सांसों को अपना प्राण मानती है, पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जानती है। देकर चाय का प्याला हाथ में जाकर बैठ गई वो पिता के पास में। कल रात तुम्हारे बच्चे ने एक वृद्ध की जान बचाई है, दिमाग से ट्यूमर निकाल के निजात दिलाई है। वाह, जो बैठा था बिस्तर पे तपाक से खड़ा हो गया, पिता का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो गया। वाह, जाकर बैठ गया उसी कुर्सी पे, उसकी रगों में खून दौड़ने लगा, मेज पर न जाने क्या खोजने लगा और पेन की स्याही पे उंगलियां फेरने लगा। और अगली पंक्ति पे आशीर्वाद चाहूंगा सदन का, अगर अच्छी लगे। चाय की चुस्की में बेटे की कामयाबी का नशा था, कागज का टुकड़ा मेज पे नहीं मां के कलेजे में बसा था। मां के आंसू आंखों में नहीं होठों पे थे, वो अक्सर ऐसी छोटी मोटी कहानी सुनाती थी, पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जानती थी। और ध्यान हटाने के लिए वो पूजा पे ध्यान लगाती है, भगवान को नहीं रोज अपने बच्चे को बुलाती है।